कांग्रेस के पूर्व विधायक व प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल शौरी भाजपा ज्वाइन करेंगे। वे रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन करेंगे। शिशुपाल शौरी ने कांग्रेस छोड़ने की वजह पार्टी की खराब नीति और अनदेखी के आहत होकर भाजपा प्रवेश की बात कही। शिशुपाल शौरी ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को आदिवासी सीएम देकर आदिवासियों का नाम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 10 साल तक निष्ठा से कार्य करने के बाद भी पार्टी में उनकी अनदेखी होती रही, लेकिन अब वो मन बना चुके हैं कि आम जनता के हित में काम करने वाली भाजपा के साथ जाकर लोगों की सेवा करेंगे। कांग्रेस अपने मूल विचारधारा से भटक गया है और ये दिखाई पड़ता है। पहले जो कांग्रेस की जो नारा था, उसकी जो मूल नीति थी कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करेंगे, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करेंगे, तो उससे कहीं भटक गया है। और आदिवासी समाज का मैं आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पर जो सम्मान बीजेपी ने दिया वो सम्मान हमें कांग्रेस ने नहीं दिया। आज देखो कि राष्ट्रपति जैसे पद पे एक आदिवासी जो महिला को उन्होंने सर्वोच्च पद पर बिठाकर आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया। हमारी प्रदेश में बड़ी मांग रही है कि हमारे प्रदेश में कम से कम आदिवासी मुख्यमंत्री, अगर हम 32% से ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं तो हमको ये हक भी बनता है कि अपनी मांग को रखें, और इसको बीजेपी ने बखूबी निभाया। कांग्रेस में वो दम नहीं है, कांग्रेस को अपने अपने आदमियों को खुश करने पे लगी हुई है। और जो स्थानीय रूप से जो बड़े तथाकथित बड़े नेता हैं, वो नहीं चाहते कि उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो। भले इससे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल घटे, किंतु वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही चिंता का विषय है और यही चिंता हमारे साथ भी रही है। तो इसी से हम व्यथित होकर हम एक सशक्त विकल्प जो हमारे पास सामने दिखाई पड़ रहा है, उधर जाने का निर्णय लिए। देखो, हम ये जो हमारी जो न्याय व्यवस्था पे खासकर मेरा दृढ़ विश्वास, अगर हम अपराधी हैं तो हम कहीं भी जाएं तो क्या बच सकते हैं? हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है ऐसी है कि अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित पकड़े जाएंगे, और मेरा भी दृढ़ विश्वास है, मेरा भी ये मानना है कि दोषी को बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे प्रजातंत्र को खोखला करने वाली यही अपराधी तत्व हैं जो राजनीति में घुसे हुए हैं। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगाए, राजनीति में आरोप लगना एक सामान्य सी बात है, अगर आप विधानसभा और लोकसभा में देखेंगे तो आज की तारीख में 33% से ज़्यादा सांसद चुन के आए हैं जिन पर कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं, और उसका हम मुकाबला करेंगे। पर मैं ये सिद्ध करके बताऊंगा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे उनसे मेरा क्या लेना देना। अगर किसी दूसरे का मामला होता तो समझ में आता, बोल यहाँ ना कोई जानता है ना देखा है, उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है। पर अगर कहीं से भी अगर आया है तो हम उसका मुकाबला करेंगे, चाहे पार्टी में रहें चाहे किसी भी पार्टी में रहें। सच्चा की हमेशा विजय होती है और मुझे विश्वास है कि वो सच्चाई की विजय होगी। अभी तक तो नहीं आया है, किसी तरह की बात नहीं आई है, किंतु मैंने जो निर्णय ले लिया है वो अंतिम निर्णय है। मैं कोई भी अगर इस तरह के प्रयास होते हैं तो विनम्रता पूर्वक, ये तो बीजेपी संगठन तय किया होगा या करेगा, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा तो ये है कि